हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज लेक्चर टू डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वन डेटा रिप्रेजेंटेशन का, आईएससी क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। ओके, तो यहां पर लेक्चर वन में मैंने डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का इंट्रोडक्शन दे दिया था। अभी हम दो कन्वर्जन्स करने वाले हैं, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। ओके, दोनों को एक साथ आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो जो कि आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया है या बाइनरी से डेसिमल में, तो क्या होगा, जो भी आंसर आएगा उसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। इसलिए मैं इस लेक्चर में दोनों ही चीजें बताने वाला हूँ आपको। ओके, और जो कन्फ्यूजन होता है उस कन्फ्यूजन को कैसे रिमूव करना है वो भी हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर सपोज हमारे पास एक नंबर है 43 ले लिया। ओके, अगर मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट करता हूं तो समझ जाइए कि ये डेसिमल है और इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ओके, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर में डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आते जाएंगे उनको मेंटेन करते हुए चलेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पर लिखा हमने 43। ओके, 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 21 टाइम जाएगा और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, रिमाइंडर्स लिखते हुए चल रहे हैं। ओके, तो हमने यहां पर ये किया, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये कितनी बार जाएगा, 10 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, राइट। फिर 2 से डिवाइड किया, 5 टाइम जाएगा और 0 रिमाइंडर आ जाएगा क्योंकि अब तो 0 रिमाइंडर आने वाला है, राइट। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ओके, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर अब डिवाइड पॉसिबल नहीं होगा तो हम यहां पर सिंपली 0 कर देंगे और यहां पर आ जाएगा रिमाइंडर 1। फिर हम क्या करेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएंगे और ये वैल्यूज को लिख लेंगे यहां पर 1 0 1 0 1 1। ओके, अब या तो आप इसी में क्रॉस चेक करके इसको करेक्ट चेक कर लीजिए कि ये सही है या नहीं। 2 से जब हमने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 1 2 और 1 रिमाइंडर आया। फिर हमने ये 10 टाइम किया तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 5 टाइम 0 रिमाइंडर, फिर 2 टाइम 1 रिमाइंडर, फिर 2 0 रिमाइंडर, इस टाइप से। अब अगर मुझे इधर से इधर कन्वर्ट करना आता है, ये तो हो गया डेसिमल टू बाइनरी, ये क्या हुआ है डेसिमल टू बाइनरी। अब बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, तो जो भी आपका ये रिजल्ट है, अब हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। ओके, मींस हमारे पास 1 0 1 0 1 1 डेटा है और उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 43 आना चाहिए। ओके, तो इससे क्या होगा, क्रॉस चेकिंग हो जाएगी। और जब भी बस मेरा मानना यह है कि जब भी आप प्रैक्टिस करो ना तो कॉम्पिटिटर साथ में होना चाहिए। ओके, अगर आप केवल इसी की प्रैक्टिस करते जा रहे हो इधर से इधर इधर से इधर, कोई फायदा नहीं है, दोनों चीजों को साथ में लेके चलो। ओके, रेस में अगर हम सिंगल ही भाग रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, कम से कम 2 लोग होंगे तभी जीत में मजा आएगा ना। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इधर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है कि आपको यहाँ पर 1 थोड़ा सा डिस्टेंस पर ये वैल्यूज को लिख लेना है। ओके, फिर क्या करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट इनटू 2 to power 0 से स्टार्ट करना है, प्लस 2 power 1 प्लस इनटू 2 power 2 प्लस इनटू 2 power 3 प्लस इनटू 2 power 4 प्लस इनटू 2 power 5। जो जीरो हैं वो तो जीरो हो जाएंगे सभी, है ना, ये तो जीरो आ गया। अब जो बचे उनको आप कैलकुलेट कर लो, यहां पर कितना आया, ये आपका 32 हो जाएगा
ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 2 raise to 0 हमेशा 1 होता है, ये याद रखो। तो 1 into 1 1, अगर हमने ये प्लस किया तो ये हो गया आपका 40 एंड देन 43, तो हमारा रिजल्ट 43 और यहाँ पर 43 आ गया। इसका मतलब ये जो हमने कन्वर्जन किया था वो सही था। ओके, अब पॉइंट ये आता है कि जब जैसे अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो ऐसे मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो मैं ये भूल जाता था कि डिवाइड कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना है। मतलब जब आप बाइनरी से डेसिमल में कर रहे हो, राइट, तो उस टाइम पर डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, और इस केस में डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी मेरे पास काफी अच्छा टेक्निक है कि क्या करना है, कैसे करना है। कि जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा 0 एंड 1 आता है। अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको 0 एंड 1 ही चाहिए ना केवल, और जब भी हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 एंड 1 ही आता है हमेशा। ओके, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर कि हम डिवाइड करेंगे इस केस में, और अगर हमें ये पता चल गया कि डेसिमल से बाइनरी में डिवाइड करेंगे तो बाइनरी से इधर करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, और मल्टीप्लाई के केस में 0 1 नहीं आता है, नॉर्मली कोई ना कोई नंबर आएगा। तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मेट याद रखना है कि मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। ओके, आई थिंक ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम याद रख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ओके, तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप ये कन्वर्ट कीजिए। सपोज हमारे पास 25 है, 25 डेसिमल है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए और जो भी रिजल्ट आया उसे डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो उससे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएंगे ये चीजें। ओके, थैंक यू सो मच।